गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग जो एग्जाम स्पेशल क्लास प्रारंभ किए हैं उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इस भाग में हम लोग चंपारण सत्याग्रह, ओके, अहमदाबाद मिल मजदूर एंड खेड़ा आंदोलन, यानी यह तीनों आंदोलन गांधी जी से रिलेट हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो गांधी जी से संबंधित यह प्रारंभिक जो उनका आंदोलन था भारत में, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा दो लाइन आप लोगों को मैं इंट्रो बता देता हूँ कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि गांधी जी का जब हम लोग टॉपिक या गांधी जी की लाइफ हिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर सारी बात गांधी जी से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर इतना आप लोग जानते रहिए कि गांधी जी 1915 में हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन, प्रारंभिक आंदोलन उनका साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, वहाँ से 1915 में हमेशा के लिए भारत आ गए। और फिर भारत से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका वह नहीं गए। ओके, तो 1915 में भारत आ गए गांधी जी, और दो वर्षों तक यानी 15 से 16-17 दो वर्षों तक गांधी जी क्या किए, पूरे भारत का भ्रमण किए। ओके, और पूरे भारत का भ्रमण किए, इसके बाद जो है भारतीय राजनीति में इंट्री उनकी यानी प्रवेश उनका चंपारण से हुआ। ध्यान रखिएगा बिहार में यह चंपारण पड़ता है, तो यह चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए कब वापस चले आए भारत, तो 1915 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ गए और फिर साउथ अफ्रीका नहीं गए, और फिर भारतीय राजनीति में ही प्रवेश किए, और इसके बाद यही राष्ट्रीय आंदोलन को वह शिखर तक पहुंचाए और भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ओके, तो ध्यान रखना है। आइए हम लोग चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह भारत में या गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, इस बात को ध्यान रखिए। टू दी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और यह एग्जाम स्पेशल क्लास जब इंड हो जाएगा तब मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगा, क्यों ये सब टॉपिक बहुत विस्तृत आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए, ये तो आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टू दी पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल को पढ़ाने वाला टीच सिविल स्टूडेंट को मैं टीच करता हूँ या सिविल को पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ, इसलिए बहुत ही विस्तृत हुआ भी प्री मेंस इंटरव्यू एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर टू दी पॉइंट, गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, और सन क्या है 1917, आपसे हमेशा पूछता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण था कहाँ, पूर्वी बिहार, बिहार में यानी पूर्वी बिहार का यह जिला था चंपारण। ध्यान रखिएगा आप लोग, पूर्वी बिहार का जिला था या बिहार का जिला था, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि चंपारण क्या था, तो एक जिला था, डिस्ट्रिक्ट था। ओके, बिहार स्टेट का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का समस्या क्या थी, यहाँ आंदोलन के पीछे कारण क्या था, यहाँ पर किसानों द्वारा आंदोलन किया गया और उस आंदोलन का कारण क्या था कि फिर गांधी जी को यहाँ पर चंपारण में जा करके किसानों का साथ देना पड़ा या किसानों की तरफ से गांधी जी को सत्याग्रह चलाना पड़ा, सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पद्धति थी जिसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। तीन कठिया पद्धति को आप लोग ऐसे भी जान लीजिए कि 3/20 यानी 3/20 क्या था भाई, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता था। तो 1 बीघे भूमि पर किसानों के या खेत पर या भूमि पर में से 3 बिस्वे पर 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा के होता था। तो 20 बिस्वा में से यानी 1 बीघे भूमि पर किसानों को 3 बिस्वे पर खेत नील की खेती करना अनिवार्य था। यह यूरोपीय जो नील उत्पादक थे
उनसे क्या होता था, वह किसानों से क्या कर लेते थे, संधि पत्र पर हस्ताक्षर करा लेते थे। ओके, तो किसानों से वह कांटेक्ट कर लेते थे और यह 3/20 भाग पर, यानी 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा खेत पर या हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, और यह जिसे तीनकटिया पद्धति के नाम से जाना गया, इसी को तीनकटिया पद्धति कहते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ध्यान रखना है कि उस समय नील की खेती बहुत फायदेमंद थी। क्यों? क्योंकि नील की खेती 1860 से ही इन क्षेत्रों में, यानी बिहार बंगाल के क्षेत्रों में की जाती थी। किसानों द्वारा गन्ने की फसल नहीं बोई जाती थी क्योंकि नील से किसानों को ज्यादा प्रॉफिट होता था। पर हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई कि जो यूरोपीय नील उत्पादक थे वह समझौता किसानों से जबरदस्ती करवाने लगे और जो उचित मूल्य था वह किसानों को नहीं देते थे, इसलिए किसानों को इससे लॉस होने लगा। अब लाभप्रद नहीं रह गया नील की खेती करना और किसान इससे इस नील की खेती अब नहीं करना चाहते थे। फिर भी यूरोपीय नील उत्पादकों ने किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पर किसानों से वह हस्ताक्षर करवा लेते थे बलपूर्वक। ओके, तब इसके लिए क्या हुआ कि किसान अब नील की खेती एकदम छोड़ना चाहते थे, नील की खेती नहीं करना चाहते थे और आंदोलन प्रारंभ कर दिए किसानों द्वारा। तो नील की खेती यहाँ पर लिख दिए पॉइंट में, आप लोग देख लीजिएगा, नील की खेती किसानों के लिए लाभप्रद नहीं रही। ओके, नील की खेती अब किसानों के लिए लाभप्रद नहीं रही और बिहार के किसान के नेता, जो बिहार में किसान नेता थे, राजकुमार शुक्ल, इन राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी यहाँ पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे, ध्यान रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके, कि रामचंद्र शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी यहाँ पर पहुंचे, यानी चंपारण पहुंचे, और इस आंदोलन में किसानों का वह साथ दिए। तो फिर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को, ध्यान रखिएगा, गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को ट्रेन से, बाई ट्रेन रूट से वह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे पहुंचे और वहां से चंपारण गए। ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुंचे ट्रेन से और वहां से ट्रेन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे और वहां से चंपारण गए। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है कि गांधी जी के साथ कौन कौन पर्सनालिटी थे या कौन कौन व्यक्ति थे, यह भी आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो महादेव देसाई थे, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और मजरूल हक। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इतने लोग गांधी जी के साथ चंपारण पहुंचे, कौन कौन एक बार फिर देख लीजिए, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, मजरूल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, गांधी जी के साथ इतने लोग थे और राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर गांधी जी कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे, बिहार। और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, या भारतीय राजनीति में यहीं से गांधी जी ने प्रवेश किया। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, गांधी जी यहाँ पर पहुंचे और किसानों की मांग को उन्होंने उचित माना और फिर ब्रिटिश सरकार को उन्होंने नोटिस दिया कि भाई यह तीनकटिया पद्धति को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे किसानों का शोषण हो रहा है। और प्रतिदिन गांधी जी 500 यानी 500 किसानों से प्रतिदिन मिलते थे यहाँ पर, यानी चंपारण में। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर, यानी चंपारण में, धारा 144 लागू कर दिया और गांधी जी को जाने से रोका गया। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, यानी गांधी जी नहीं रुके, बोले कि हमें भाई जेल में जाना मंजूर है लेकिन मैं यहाँ पर आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसानों की समस्या के लिए आया हूँ, किसानों का जो शोषण हो रहा है इस शोषण से उन्हें मुक्ति मिले। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, उस समय बिहार का गवर्नर सर एडवर्ड गेटे थे, कभी एग्जाम में पूछ देगा, ध्यान रखिएगा। और वहां का तात्कालिक कमिश्नर
एलएफ मॉरशेट थे। ओके, तो बिहार का जो गवर्नर थे एडवर्ड गेटे तथा कमिश्नर एलएफ मॉरशेट थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने के प्रयासों से और गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया, यानी किसानों की तरफ से आंदोलन किए और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, और समिति के गठन ने, समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तिनकटिया पद्धति को सही नहीं माना गया। इस प्रकार तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। तो गांधी जी का भारतीय राजनीति में चंपारण से प्रवेश हुआ और गांधी जी को पहली सफलता यहाँ पर मिली कि तिनकटिया पद्धति जो ब्रिटिश सरकार से द्वारा, या ब्रिटिश सरकार को आप न कहिए, जो अंग्रेज नील उत्पादक थे उनसे किसानों को मुक्ति मिली। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अगले आंदोलन को देखते हैं। अगला आंदोलन है, अगला गांधी जी का आंदोलन है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर से है, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर से है और यह गुजरात स्टेट में पड़ता है अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अहमदाबाद 1918, तो पहला चंपारण हो गया 1917 और यह दूसरा गांधी जी का आंदोलन है भारत में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ध्यान रखिएगा। अब यह क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर का क्या प्रॉब्लम था, कैसा आंदोलन था? तो यहाँ पर मिल मालिक और प्लस मिल मजदूर के बीच में यह समझौता हुआ था कि प्रत्येक वर्ष मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा कि मिल मालिकों ने यह बात कह रखा था मिल मजदूरों को कि प्रत्येक वर्ष उन्हें प्लेग बोनस दिया जाएगा। पर आगे चल करके देखा जाए तो 1917 में मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं दिया मिला। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि 1917 में प्लेग बोनस मजदूरों को नहीं मिला और मजदूर आंदोलन कर दिए। तो मजदूरों के आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि जो मिल मालिक और मिल मजदूर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ था कि उन्हें प्रत्येक वर्ष प्लेग बोनस दिया जाएगा। जब 1917 में मिल मजदूरों को, मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस नहीं दिया गया तो मजदूर आंदोलन कर दिए, तो गांधी जी इस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में मजदूरों की तरफ से पार्टिसिपेट किए, यानी भाग लिए, और किसके कहने पर, अनसुईया बेग के आह्वान पर, गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद मार्च 18 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और मिल मजदूरों की समस्याओं को गांधी जी ने सुना और उन्हें सही पाया। और इस प्रकार गांधी जी मिल मालिकों से मजदूरों के लिए प्लेग बोनस देने की बात कहा, लेकिन मिल मालिक देने से इनकार कर दिए। तो गांधी जी ने क्या किया कि अनशन पर बैठ गए। गांधी जी अहमदाबाद इस आंदोलन में पहली बार अनशन पर बैठ गए। और ध्यान रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन में या कहां पर पहली बार भूख हड़ताल किया या अनशन पर बैठे और भूख हड़ताल किया, तो इस अहमदाबाद, जो किसान मिल मजदूर थे इस आंदोलन में इन्होंने पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल किए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए और पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल अहमदाबाद में किया। ओके, अहमदाबाद आंदोलन में इस प्रकार मिल मालिकों को झुकना पड़ गया। मिल मालिक गांधी जी के सामने झुक गए और एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और उसके आधार पर इन मिल मजदूरों को, यानी मिल मजदूरों को क्या करना पड़ा, बोनस 35% बोनस देना स्वीकार किया गया। तो मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के आह्वान पर मिल मालिकों को एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और उसके आधार पर इन मिल मजदूरों को 35% बोनस देना पड़ा मिल मालिकों को। ओके, तो इस प्रकार गांधी जी का भारतीय आंदोलन में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में यह दूसरी विजय थी। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तीसरा आंदोलन हम लोग देख लेते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन।
खेड़ा किसान आंदोलन क्या था, यह अप्रैल 1918 की घटना है, ओके। और यहाँ पर अहमदाबाद यह मार्च 1918 की घटना है, गांधी जी से रिलेट है, कभी कभी क्रम भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आइए इसको देखते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन अप्रैल 1918, यह भी गुजरात का है, ठीक है। तो खेड़ा क्षेत्र के किसानों द्वारा क्या किया गया, आंदोलन कर दिया गया, और आंदोलन का जो मुख्य कारण था वह था फसल बर्बाद हो जाना, और फसल बर्बाद क्यों हो गई, वर्षा न होने के कारण, यानी वर्षा न होना, इस प्रकार फसल बर्बाद हो गई। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भू राजस्व माफ नहीं किया, जब किसानों की फसल नहीं हुई तो ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व माफ नहीं किया, इस प्रकार किसान आंदोलन कर दिए। तो आंदोलन का मुख्य कारण यही था कि फसल का बर्बाद हो जाना, फसल क्यों बर्बाद हो गई, क्योंकि वर्षा नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं कि भारतीय कृषि मानसून पर ही डिपेंड अधिकांशतया रहती है, क्यों, क्योंकि जब मानसून नहीं है समय पर आ पाता है तो फसल बर्बाद हो जाती है, नुकसान हो जाती है, और आज भी किसान आत्महत्या भी करते हैं, आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खेड़ा किसान आंदोलन का कारण फसल बर्बाद होना, वर्षा न होना, और ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व माफ नहीं किया, इस प्रकार किसान आंदोलन कर दिए। और इस आंदोलन में गांधी जी, सरदार पटेल तथा इंदूलाल याग्निक के साथ गांधी जी कहाँ पहुंचे, खेड़ा पहुंचे, और किसानों के तरफ से इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। तो गांधी जी के साथ कौन कौन थे, कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो गांधी जी के साथ सरदार पटेल तथा इंदूलाल याग्निक थे। तो गांधी जी इन लोगों के साथ पहुंचे और किसान के साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, किसानों की मांग को गांधी जी ने सही माना, और ब्रिटिश सरकार से भू राजस्व माफ करने की गांधी जी ने मांग की या आह्वान किया। और फिर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर भी एक ट्रिब्यूनल का गठन किया, और इसके आधार पर किसानों का भू राजस्व माफ किया गया, ओके, ध्यान रखिएगा। परंतु जो किसान भू राजस्व दे चुके थे ब्रिटिश सरकार को, वह वापस नहीं किया गया, अपितु जो किसान लगान अभी नहीं दिए थे उनका माफ कर दिया गया। तो इस प्रकार गांधी जी का यह खेड़ा किसान आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा। इस प्रकार गांधी जी का तीन आंदोलन, प्रारंभिक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917, ध्यान रखिएगा, नंबर दो अहमदाबाद मिल मजदूर के और मिल मजदूर आंदोलन 1918, ध्यान रखिएगा, इसके बाद तीसरा है खेड़ा किसान आंदोलन अप्रैल 1918। तो यह गांधी जी का तीन आंदोलन क्रमशः था, तीनों आंदोलन गांधी जी के सफल हुए। इस प्रकार गांधी जी इन तीन आंदोलनों के द्वारा भारतीय राजनीतिक पटल पर छा गए, ध्यान रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इनको एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग अगले भाग में आगे के टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, टू दी पॉइंट, हम लोग मिलते हैं फिर, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।